हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई ही हम सीख रहे हैं और पूरे एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीप्लाई ही सीखेंगे 9.3 में, ठीक है। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, बीच में समय मल्टीप्लाई का ही सिंबल है तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। चलो, इसका कोफिशियंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट तो है नहीं कहीं पे, ब्रैकेट खोलना है हमें। 4 2 8 और 8 1 8, नंबर तो आ गया 8। वेरिएबल देख लेते हैं, आपको पता है कि मल्टीप्लाई में वेरिएबल हमारे अगर सेम वेरिएबल है तो वो ऐड हो जाते हैं, वेरिएबल के जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। ए ए ए तीन जगह ए ही है ना, ए के पावर्स हमारे ऐड हो जाएंगे। 2 पावर यहां है, 22 यहां है, 26 यहां है। 2 और 22 हो गया 24, 24 और 26 कितना हो गया 50, यानी ए की पावर क्या हो गया यहाँ पर 50, 8 ए की पावर 50, ये आपका आंसर है, ठीक है। और आप कैसा कर सकते हैं, इसको आप खोल करके भी लिख सकते हैं कि ए इंटू ए इसको लिख दो, लेकिन फिर इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू ए इंटू ए ए 22 बार लिखना पड़ेगा, तो खोलना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्रेकेट तो यहाँ भले ही लगा है लेकिन ये मोनोमियल ही है, कहीं बीच में प्लस माइनस है इन दोनों के बीच में, नहीं है ना। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है ना, ये भी मोनोमियल ही, तो बीच में कहीं प्लस माइनस सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ये निगेटिव है इसलिए हम माइनस लगाया है, इन सभी के बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ब्रेकेट इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ माइनस था ना, इसलिए ब्रेकेट लग गया है। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको पता है कि नंबर्स का नंबर में मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल जो होते हैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके पावर अगर ऐड हो रहा है तो पावर ऐड हो जाता है। तो अगर 2/3 का 9/10 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो क्या 2 से ये 10 कर सकता है, ये 2 ऊपर है 10 नीचे है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2/3 इंटू माइनस 9/10, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 से काट देंगे ना इसको 5 बार और 3 से इसको काट देंगे 3 बार, कितना आ जाएगा हमारा, -3 आ गया ऊपर और 5 बचा नीचे, -3/5 ही तो आएगा। तो यानी यहां पर हमारा मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, -3/5, ठीक। और वेरिएबल सब देख लेते हैं, x यहां है, x 2 यहां है, ये तो x कितना हो गया 3 और 3x यानी कि x/3, और y 1 यहाँ है, 2y यहाँ है, तो y कितना हो गया 3y/3, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक, यहां पर ही इसको काट सकते हैं या फिर एक बार नीचे यही सेम चीज उतार लेना, वहां पर काटना, क्वेश्चन में छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। यही सेम चीज एक बार क्वेश्चन नीचे उतार लेना, यहां पर इस तरीके से काट करके आंसर लगा, ठीक। और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यहीं पर आप इसको काट सकते हैं 5 बार और ये गया 3 बार, तो -3/5 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया, ठीक। ये था सेकंड पार्ट, और इसमें 2 पार्ट और हैं, आइए देख लेते हैं, आइए बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है -10/3 पी क्यू क्यूब, ये क्यूब जो है क्यू के ऊपर है, पी के ऊपर नहीं है, ध्यान देना। 6/5 पी क्यूब क्यूब, यहाँ पर क्यूब जो है पी के ऊपर है, मल्टीप्लाई करना है, ये भी मोनोमियल ही है और ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म दोनों में है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर कर सकते हैं तो। एक बार आप चाहे तो ये क्वेश्चन को यहाँ उतार सकते हैं, इंटू 6/5 पी क्यू क्यू कर दो मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना, वेरिएबल तो वैसे ही देते हैं, इनके पावर केवल ऐड हो जाते हैं, बस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से इस 10 को आप डायरेक्ट काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 से 6 को काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर ऊपर बचा है, यहाँ 2 बचा है नेगेटिव और यहाँ पे भी एक 2 है ना, तो इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और एक माइनस है तो माइनस का 4, नंबर का काम हो गया ना। देखो यही सेम चीज़ अगर आप अलग करके लिखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, यही तो है नंबर्स, तो 3 से गया 2 बार, 5 से भी गया 2 बार, तो 2 2 जब 4 और एक माइनस है तो माइनस का 4, वही यहाँ पर आया है। अब
अब वेरिएबल देख लेते हैं, एक पी यहाँ है, तीन पी यहाँ है, पी की पावर तीन है मतलब तीन बार पी मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसकी भी पावर वन है, उसकी पावर थ्री है, तो कितना हो गया पी जो है हमारा चार हो गया। यहाँ क्यू तीन है, यहाँ क्यू एक है, क्यू भी कितना हो गया चार हो गया, ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को ईजी बनाना चाहिए, टफ नहीं बनाना चाहिए, समझ में आया होगा आप लोगों को ये कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोफिशियंट तो किसी में वन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो नंबर का तो काम ही नहीं यहाँ पर, वेरिएबल ही है, वेरिएबल वो भी है एक ही वेरिएबल केवल एक्स, बस सब में मल्टीप्लाई है तो पावर ही काउंट करना है। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है वन है, ऐड कर लो सब पावर, फोर और थ्री सेवन और टू नाइन और वन टेन, यानी एक्स रेज टू द पावर टेन, ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, तब तक के लिए जय हिंद।